खबरों का आगाज करेंगे और बात करेंगे कौमी प्रेस रहनुमा सदारतउल्लाह मेंगा, जिनका गुज़श्ता रोज़ इंतकाल हो गया था। इनकी आज सूबह में तदफीन होगी। रोज़ कौम प्रेस रहनुमा सदारतउल्लाह खान बलोच की जस्ते खाकिर बलोचिस्तान में दाखिल। सदारतउल्लाह खान मेंगर की मैयत का खुब पहुँचने पर वालिहाना इस्तकबाल, फूलों की पत्तियाँ निछावर की गईं और वैन को बोसा भी दिया गया। DSNG अपने लीडर के गम में कारकुनान एम्बुलेंस से पहले आए। BNP समेत तमाम सियासी जमातों और समाजी शख्सियात का कौम प्रस्त रहनुमा की मैयत का शानदार इस्तकबाल किया गया। सदारतउल्लाह खान मेंगर की तदफीन आज आबाई इलाके वड़की में की जाएगी। खबर शामिल करेंगे सेवन शरीफ से, जहां आज से तमाम शख्सों के लिए सिकंदर लाश शहबाज का मजार जायरीन के लिए खोलने का फैसला किया गया है। डिप्टी कमिश्नर जामशुरू कैप्टन रिटायर्ड फरीदुद्दीन मुस्तफ़ा की जेर सदारत इजलास में दरबार लाल शहबाज सिकंदर को आम जायरीन के लिए खोलने का फैसला किया गया है। औकाफ डिपार्टमेंट और दरबार सिक्योरिटी इंचार्ज की जानिब से इंतजाम मुकम्मल। आज दरबार लाल शहबाज सिकंदर को खोल दिया जाएगा। खबर शामिल करते हैं खैरपुर नातिन शाह से, जहां दावत इस्लामी के 40वें योम तासीस के मौके पर मस्जिद फजाने रजा के इमाम मोहम्मद अलियास सतारी और मस्जिद फजाने मदीना के इमाम मोहम्मद बिलाल मदनी की तरफ से अमीर अहले सुन्नत इलामा मोहम्मद अलियास कादरी को खराज तहसीन पेश किया गया। मस्जिद फजाने रजा के इमाम अलियास सतारी का कहना था कि दावत इस्लामी का आगाज 2 सितंबर 1981 में हुआ, जिसको अलहमदिल्ला 40 साल पूरे हुए हैं। अमीर अहले सुन्नत इलामा मोहम्मद अलियास कादरी की क़यादत में दावत इस्लामी के 40 साल सफर में मदारिस मस्जिदें कायम हुई और दीन इस्लाम की बड़ी खिदमत की है। इनके कायदीन के अमाल उनके अच्छे कामों को तरगीब देने पर अमीर अहले सुन्नत मोहम्मद अलियास कादरी को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं। अब खबर शामिल करेंगे ज़िला सांगढ़ से, जहां ज़िला सांगढ़ में आवारा कुत्तों की भरमार, लोग परेशानी का शिकार। बल्दिया इंतजामिया मुनाजरीन से गायब बल्दिया दफातर में भी कुत्तों का राश इदादपुर झोल टंडो आदम खिपरो संजोरो शाहपुर चाकर समेत दीगर इलाकों में आवारा कुत्तों और पागल कुत्तों ने वाम का जीना धोबर कर दिया है। मुख्तलिफ चौक चौराहों पर आवारा कुत्ते सरेआम घूमते फिरते दिखाई देने लगे हैं, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सुबह के औकात में नमाज के लिए जाने वाले अफराद पर कुत्ते हमलावर होते हैं। दूसरी जानब शहरियों को जाने वाली खवातीन और स्कूल जाने वाले तलबा तलबात में आवारा कुत्तों की वजह से खौफ व हिरास पाया जाता है। ज़िला की आवाम ने मुतलका हकाम से जल्द आवारा पागल खारिशज़दा कुत्तों को अब तक मारने पर आने वाले अखराजात की इंक्वायरी करनी चाहिए। अब महंगाई के हवाले से खबर शामिल करेंगे। तहसील तांदलिया वाला और इसके कस्बात कंजवानीगढ़ फतेहशाह और रहम शाह और कलियाँ वाला में भी अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे के साथ मुख्तलिफ सालाजार कीमतों में भी खुद साख्ता इजाफा हो चुका है। घी, चीनी, दालें, चावलें, बेसन, साबुन, दीगर अशिया कीमतें आपे से बाहर हो रही हैं। इंतजामिया की खामोशी और फील्ड एरिया की बजट ना करने से जखीरा अंदोजों की चांदी हो रही है, जबकि मुनाफाखोर सादा लू आवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। इसमें मुख्तलिफ हलकों से शदीद तशवीश का इजहार करते हुए आला हुकाम ने फौरी रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है।